हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग के डिफरेंसेस के बारे में। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एमयू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। लेट्स प्रोसीड एंड अंडरस्टैंड कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, जिसको मैं अब आगे डीएसपी रेफर करूंगी इस पूरे वीडियो में, और एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग को एएसपी रेफर करूंगी। सो डीएसपी इज मोर फ्लेक्सिबल, वेयर इज एएसपी इज लेस फ्लेक्सिबल। एक्यूरेसी डीएसपी की ज़्यादा है और एएसपी की एक्यूरेसी कम है एज कम्पेयर टू डीएसपी। अब डिजिटल सिग्नल्स को हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एनालॉग सिग्नल्स को स्टोर करना डिफिकल्ट होता है। डिजिटल सिग्नल्स को या डिजिटल सिस्टम्स को हम इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं, एंड एनालॉग सिस्टम्स को रेप्लिकेट करना इज अ टीडियस टास्क। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स कैन बी इजीली इंप्लीमेंटेड यूजिंग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वेयर एज इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स इन एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को हम इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, एंड इट्स डिफिकल्ट टू अपग्रेड एएसपी। सो या दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस of digital signal and analog signal। I hope आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so please like, share and subscribe to my channel। Thank you so much।